चलिए इसी के साथ नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। पुणे से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुणे की कस्बा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। आपको बता दें, कस्बा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जी हां, शिकस्त यहां पर कांग्रेस ने हासिल की है। टोटल 20 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 11,040 वोटों से जीते रविंद्र घंदेकर। आपको बता दें, कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है। 11,040 वोटों से जीते हैं रविंद्र घंगेकर। कांग्रेस से रविंद्र घंगेकर को मिले जो है वोट बहुमत से यहाँ पर जीते हैं। बीजेपी से हेमंत रासाने को जो है 62,244 वोट मिले हैं, और इन्हें जो है कांग्रेस से 73,194 वोट मिले हैं। काफी ज्यादा बड़े डिफरेंस से यहाँ पर जीत इन्होंने हासिल की है। कह सकते हैं बहुमत से कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हमारे सहयोगी सूरज कस्बे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, पुणे की कस्बा विधानसभा सीट पे के उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर जीत का परचम लहराया है, क्या अपडेट्स है? जी, हमने पहले कह चुके थे कि पुणे से रविंद्र जंगीकर जी का पकड़ा पहले से ही भारी था। अभी नतीजे सामने आ चुके हैं। रविंद्र जंगीकर जी 73,194 वोटों से लीड ली और वो जीत गए हैं। और उन्होंने भाजपा के जो उम्मीदवार थे हेमंत रासने, उनका पराजय कर दिए। जी, किन मुद्दों को लेकर ये उतरे थे, क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस से इनकी जीत हुई है। 11,040 वोटों से इन्होंने जीत पाई है, तो काफी बड़ा आंकड़ा है ये। अब इनके क्या विकास के मुद्दे हैं जो ये लेकर उतरे हैं? हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है सूरज? आ रही। काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखा जा रहा है दोनों ही पार्टियों के बीच। बात करें 11,040 वोटों का डिफरेंस देखा जा रहा है। बहुमत से इन्होंने जीत हासिल की है, क्या कमी रह गई बीजेपी की जो इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी की हार हुई है? जैसे कि हमें पता चला, उसके मुताबिक पिछले 28 साल की यहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है कस्बा इलाका, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने कुछ भी विकास नहीं किया था। इसी विकास के मुद्दों को लेकर कांग्रेस बार बार अपना प्रचार कर रही थी, और इसी विकास के मुद्दे पर केवल उत्तर कांग्रेस की यहाँ पे रविंद्र धनगेकर की जीत हुई है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी के गढ़ में ही जो है कांग्रेस ने अब परचम लहरा दिया है जीत का, तो काफी बुरी हार बीजेपी को यहाँ पर झेलनी पड़ी। 11,040 वोटों का डिफरेंस यहाँ पर देखा गया, और बहुमत से कांग्रेस ने जीत का परचम कस्बा विधानसभा सीट के उपचुनाव में लहराया है।